थी, मट्टी धूल थी, काफी खुशगवार हो गया, मट्टी धूल थी, साफ हो गया। हम लोग पेट्रोल भरा रहे हैं, मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है और दरख्त वगैरह आप देखें बिल्कुल साफ हो गए बारिश होने की वजह से, जितनी मिट्टी धूल थी सब साफ हो गए, आप देखें पत्ते वगैरह बिल्कुल साफ हो गए। ये बारिश की रहमत है अल्लाह की तरफ से। ये देखें बारिश की वजह से सारे पत्ते वगैरह बिल्कुल साफ हो गए हैं और हवा काफ़ी खुशगवार है और हवा में काफ़ी ताजगी है, फ्रेशनेस है। ये देखें ये सब बारिश की वजह से हुआ है। जहाँ बारिश कुछ नुकसान पहुँचाती है वहाँ ज़्यादातर उसका फ़ायदा होता है। ये देखें आप माशाअल्लाह, आसमान पे काफ़ी अब है और बारिश अभी और भी होगी। हम लोग पेट्रोल भरा रहे हैं और अभी रोड का विजिट कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद यूसुफ कश्मीरी, रोशनियों के शहर कराची से, सिटी ऑफ लाइट कराची। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मुख्तलिफ़ बाज़ारों की वीडियो बनाता हूं, आज मेरा इरादा था पूत बाज़ार की वीडियो बनाने का, लेकिन रात से कराची में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है जिसकी वजह से कोई भी बाज़ार नहीं लगा। जैसा कि आपको मालूम है कि जितने भी बाज़ार लगते हैं वो ओपन एरिया में लगते हैं, बाज़ार तो नहीं लगा, लेकिन बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। बारिश कम होती है लेकिन जब होती है तो मौसम काफ़ी खुशगवार हो जाता है। और कराची का आपको मालूम है कि यहाँ कम बारिशें होती हैं। इसके अलावा लोग इस मौसम को काफ़ी इंजॉय करते हैं, घरों में मुख्तलिफ़ किस्म की डिशें पकाई जाती हैं और नौजवान लड़के जो हैं वो सी साइड पर जाते हैं और ख़ूब इंजॉय करते हैं। क्योंकि बारिश हुई है और आज संडे भी है, इस वजह से आप देख रहे हैं रोड पर ट्रैफिक बहुत कम है, मुख्तलिफ़ जगहों पे अलग अलग चीज़ें बिक रही हैं और लोग ख़रीद रहे हैं। ये देखें सामने रश लगा हुआ है और लोग सुबह का नाश्ता ख़रीद रहे हैं। संडे की वजह से लोग काफ़ी देर से सो के उठते हैं। आप रोड की तरफ देखें, बारिश होने की वजह से रोड कितना साफ़ हो गया है और ट्रैफिक भी कम है, इसलिए आपको रोड बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। सामने दरख्त वगैरह
लगे हुए हैं जो कि बारिश की वजह से काफ़ी साफ हो गए हैं। बिल्कुल एक अच्छा एहसास हो रहा है। रोडों पे ट्रैफिक काफ़ी कम है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि रात को काफ़ी बारिश हुई है और आज संडे भी है। ये दो वजूहत हैं कि रोड जो है ना बिल्कुल आपको थोड़ा खाली खाली महसूस हो रहा है, वरना यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो चुका है। ये ग्रीन टर्मिनल है, ग्रीन टर्मिनल है, यहाँ से ग्रीन बसें चलती हैं और कुछ लोग खड़े हुए हैं अपने सीटों पे, लेकिन बाजार नहीं लग रहा है। कम कम लोग हैं जो फल वगैरह कुछ थोड़ी सी सब्जियाँ वगैरह लेके बैठे हैं। इस साइड पे आप देखें माशाल्लाह दरख्तों की खूबसूरती देखें, कितने साफ सुथरे हो गए हैं, और ना इनसे धूल मट्टी जमी हुई होती है बारिश की वजह से। अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये बारिश हम सब के लिए रहमत हो, रहमत ना हो। ये बारिश दो किस्म की होती है, एक में खैर और एक में नुकसान। खुदावंद को दुआ करनी चाहिए कि ये बारिश खैर की हो, और माशाल्लाह अब तक ये बारिश खैर की बारिश हो, कोई नुकसान नहीं हुआ। कहीं कहीं पानी जमा हो गया है, तो नशेबी इलाके हैं वहाँ कुछ ज़्यादा पानी है। ओवरऑल ये बारिश खैर ही खैर। इस बारिश के मौसम में लोग बाहर आते हैं, अपने घरों से मौसम को इंजॉय करते हैं। खास तौर पर एयर कंडीशन जो है वो CPO का रुख करती है और लिफ्टर वगैरह का रुख करती है। कराची मोहब्बत करने वालों का शहर है, जो भी यहाँ आता है हम उन्हें वेलकम करते हैं, लेकिन सामने वाले के दिल में भी मोहब्बत होना चाहिए। आसमान अबर आलूद है, का मतलब है कि अभी और भी बारिश होगी। एक वाक्या सुन लीजिए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के हमरा कहीं से गुजर रहे थे, रास्ते में उन्हें ज़मीन पर इंसानी विलादत नज़र आई जिससे बेपनाह बदबू उठ रही थी। मुरीदों ने मुंह पर रुमाल रखा और तेजी से आगे बढ़ गए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह वहीं खड़े रहे और मुरीदों से कहा, ठहरो, ये गंदगी मुझे कुछ कह रही है। मुरीदों ने अर्ज किया, हजरत क्या कह रही है? उन्होंने फरमाया, ये गंदगी मुझे कह रही है कि चंद घंटे पहले मैं कोई खुशगवार खुशबूदार कोना थी या कोई खुशबूदार फल था। ये इंसानी पेट इतना गंदा है कि जिसमें जाने के बाद चंद घंटों में मेरा ये हाल हो गया है। लेकिन कहीं की रोड खराब हो गए, जैसे कि मैंने कहा था, ये देखें
लेकिन ओवरऑल माशाल्लाह सब खैर ही खैर है। ये देखें मासूम बच्चे मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, दुनिया से बेखबर, उन्हें किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है। यही उम्र होती है इंसान की जब वो बिल्कुल हर किस्म की फिक्रों से आज़ाद होता है। ये कराची का मनोड़ा सी साइड है। चंद साल पहले ये ऐसा नहीं था। अब गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी खर्च किया है और अब ये एक खूबसूरत डिस्टिनेशन है। पहले यहाँ लोग सिर्फ लॉन्च के ज़रिए आ सकते थे, अब रोड वगैरह भी बन गए हैं और अगर आप चाहें तो बाई रोड भी यहाँ से आ सकते हैं, लेकिन लॉन्च में बैठना का कुछ और ही लुत्फ है। साहिल समंदर पर आप देखें लोगों का रश है। इस वक्त बारिश नहीं हो रही, लेकिन मौसम बारिश की वजह से काफ़ी खुशगवार है। ये वीडियो बड़ी मेहनत से तैयार की जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कीमती कमेंट से ज़रूर आगाह करें, क्योंकि आपके कमेंट्स के मुताबिक ही हम दूसरी वीडियो बनाते हैं। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि आप कहीं भी घूमने जाएं, मासूम बच्चों का ख़ास ख्याल करें और सी साइट पे तो ये ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब इन दुआओं के साथ इजाज़त, जहां रहें खुश रहें, सबका निगहबान, अल्लाह मेहर।